आपने ये दावा किया है कि कोई हेलीकॉप्टर भी गिरा? हमने दावा नहीं किया, हेलीकॉप्टर वैसे दो गिराए गए, आप लोग दावा करके उसको, ये भी एक फ्लांट है ना, कि फ्लांट ने दावा किया। हमें क्या बता, आप गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहते, गवर्नमेंट ने भी दावा किया कि हमने ये किया है वो किया। गवर्नमेंट को भी कहते हैं कि वो भी दावा करी, लेकिन हमें तो नहीं पता ना, हमने अपनी आंखों से नहीं देखा। ये फिर दोनों को आप दोनों को कहना कि उन्होंने दावा किया, उन्होंने भी दावा किया। यही हम सीधा दो हेलीकॉप्टर जैसे इतलात है, मेरे सामने तो नहीं गिरे हैं, मैं तो वहाँ से दूर हूँ, इतलात ये है कि दो हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। तो क्या कोई बातचीत होगी, मामलात हल होंगे या सूरत हाल ऐसी रहेगी और बेगुनाह लोग उसकी जद में आते रहेंगे? बातचीत हो रही है, ये तोप से जेट बम्बार बड़े डीप पेनिट्रेशन बॉम्ब के साथ, तोपों के साथ, और कौन सा ये कितना बड़ा मुजाकरात है कि गला फाड़ कर वो बोल रहे हैं। अभी जिन्होंने हम पर जंग इम्पोज किया है वो तो उन पर मुनसर है कि वो किस तरफ ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो है दहशत गर्द स्टेट, यूनिफॉर्म दहशत गर्द लोगों को मार रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो तो ज्यादा जोरावर है ना, यूनिफॉर्म दहशत गर्द। बुगटी कबाइल के सरबरा नवाब अकबर खान बुगटी। बलोच कौम परस्त रहनुमा नवाब अकबर बुगटी ने भी हुकूमत के इन दावों को गलत करार दिया है। उनके बकौल पाकिस्तानी फौज के दो हेलीकॉप्टर गिराए गए और 35 से ज्यादा फौजी मारे गए। नवाब अकबर बुगटी ने 3 जुलाई से अब तक की पाकिस्तानी फौज की कार्रवाई का जिक्र करते कहा, 3 तारीख के सुबह 8:30 बजे पहले जेट तैयारे आए 3, उन्होंने डायरेक्टली हम पर बमबारी किया जहां मैं था, आधा घंटा बमबारी करते रहे, उसके बाद 15 मिनट के बाद जेट तैयारे चले गए, हेलीकॉप्टर आए 19 मेरे ख्याल में जहां तक याद है, जिसमें कुछ थे गनशिप हेलीकॉप्टर जो ऊपर उड़ते रहे, बाकी उन्हें ट्रूप्स लैंड किए हमारे सामने, लेफ्ट राइट पीछे आगे, सिर्फ एक जगह में नहीं 7 मुख्तलिफ मकामात पर, हेलीकॉप्टरों से भी शेलिंग और फायरिंग हो रहा था, फिर नीचे जो ट्रूप्स उतरे उनकी तरफ से भी हो रहा था, ये सारा दिन ये चलता रहा। 5:30 बजे हेलीकॉप्टर चले गए और वो ट्रूप्स रह गए, वी वर इन देयर ऑलमोस्ट सराउंडेड, ठीक है, और दूसरे भी ऐसे में हमारे और लोग रास्ते बहुत से जानते हैं, हम तक पहुंचे, फिर हमें वहाँ सेफली निकाल कर ले गए घेरा तोड़ कर उनका। तो आप क्या समझ रहे हैं, अब ये जो फौज कर रही है उसका टारगेट है क्या, वो क्या हासिल करना चाह रही है इस तरीके से? अगर तो मैं हूँ और टारगेट तो उनका, क्यों मैं हूँ, क्यों 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 क्यों, वो तो आप उनसे जनरल से पूछे, मैं उनसे भी पूछूंगा, मैं आपसे पूछने चाह रहा हूँ, अकबर बुगटी के ख्याल में आपको टारगेट क्यों बना रहे हो? ये सिर्फ आज नहीं बना रहे, ये तो 17 मार्च लास्ट ईयर से जब डेरा बुगटी पर डायरेक्टली हमला किया और गोले मेरे लेफ्ट राइट पर गिरे, मेरे बैठक में जहाँ मैं बैठा हुआ था मुझसे 6 फुट पर वो गोले गिरे, छत सुराख करके अंदर, वो मौजाना तौर वो सेव्ड। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अकबर बुगटी साहब, वो जो मुशाहिद हुसैन से आपकी बातें हुई थी, वो जो चौधरी शुजाहत हुसैन के साथ, वो तो जाए ना, क्या प्लीज फॉरगेट ऑल दैट नॉनसेंस, वो सब नॉनसेंस था, वो कहते हैं कि ही इज इंटेलिजेंट, वो हमारा बात नहीं मानता है, झुकता नहीं है, कमर उनका टेढ़ा नहीं होता है, वो कहते हैं कि झुक कर सलूट करो और हथियार डाल दो, एवरीथिंग इज ठीक ठाक है। नवाब अकबर बुगटी साहब, मुझे ये बताइए कि बुनियादी झगड़ा अब है किस बात पर, क्या हो कि ये सिलसिला ठीक हो? बता रहा हूँ क्या वो है, हमारा साइल वसाइल और हक की हाकमियत, इसको कंसीड करें, देयर इज नो जंग, नो झगड़ा, नथिंग। तो नवाब अकबर बख्शी साहब, एक मतलब फिर अब मैं मौजूदा सूरत हाल पर ला रहा हूँ, ये जो हुई है कार्रवाई जो हो रही है, इसमें अंदाजन कितने लोग आपके काम आए, कितने लोग हलाक हुए? ये बता रहा हूँ, वहाँ काफी मारे गए, एक हेलीकॉप्टर गिराया गया जो अपने लोड के साथ वो पेरिश हुआ, और 3 और हेलीकॉप्टर भी जख्मी होकर मुश्किल से सुई तक पहुंचे, वहाँ पे गिर पड़े। 30-35 SSG कमांडोज वो मारे गए थे उसके एक्शन में। तो ये जो 32 पहले दिन की बात है, ठीक है, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, 32 तो वो फिर दूसरे दिन अगेन देयर वाज इतने पैमाने पर नहीं था, तीसरा दिन जो कल था अगेन फाइनली बहुत बड़े पैमाने पर था, यहाँ भी आकर गनशिप हेलीकॉप्टर फायर करते रहे, शेलिंग करते रहे, कल भी एक हेलीकॉप्टर मार गिराया, और वहाँ इतला है कि काफी लाशें भी सुई पहुंची हैं, क्योंकि वहाँ खून खत्म हो गया, वहाँ जिस बुगटी को पकड़ते थे जो सुई गैस कंपनी में मुलाजिम है, उसको ले जाकर एक बोतल खून निकालते जोर से कि अपने जख्मियों को देने के लिए। बाकी जो गवर्नमेंट का दावा है कि हमने इतने मारे इतने किया है, इन्हीं इलाकों में उन्होंने सब कुछ किया, मगर खुदा के फजल से हमारा एक भी शहीद नहीं हुआ, न कोई पकड़ा गया, 9 वहाँ मरी बूढ़े थे, औरतें बच्चे, तो 9 इन जईफ लोगों को, 8-9 जईफ लोगों को ये
और उठा कर For more, log on to facebook.com/darabugt.